रणथंभौर किले के अंदर हामिर महल और रानी के महल को देखने के लिए दोस्तों अब हम आ चुके हैं इस वाली दिशा में। सामने की तरफ आपको एक लाल पत्थर से बना हुआ जो बड़ा सा दरवाजा दिखाई दे रहा है। बताते कि दोस्तों ये वाला जो हिस्सा था वो रानी की महल का ही भाग हुआ करता था। आज के समय में इस वाले हिस्से के अंदर काम चल रहा है, तो इससे समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त में हम इस महल को अंदर से जाकर और अच्छे से देख पाएंगे और इसका वही स्वरूप समझ पाएंगे जो आज से 723 वर्ष पहले जब यहाँ के राजा हमीर देव चौहान सत्ता में रहे होंगे तो उस समय उनके द्वारा इसी महल का इस्तेमाल किया जाता था। ये काफी बड़े पोर्च में फैला हुआ जो महल है यहाँ पर हम देख पा रहे हैं और इस तरफ बना है राजा रानी का महल, तो इसके ऑपोजिट वाले हिस्से में आप देखते हैं तो यहाँ पे बड़ा सा गार्डन दिखेगा और यहाँ सामने की तरफ में राजा हमीर देव चौहान के पिता जैत्र सिंह कि आपको छतरी देखने को मिल रही है। अब दोस्तों थोड़ा हम नज़दीक चलते हैं और हमीर देव चौहान के महल के पास वाले हिस्से को थोड़े समझने की कोशिश करते हैं, उस इतिहास को भी आपके सामने पेश करेंगे। तो आप पहले देख सकते हैं कि जो महल ये बना हुआ है, बताते हैं कि कुल मिलाकर 3 मंजिला ये ऊपर है और 3 मंजिला ये ज़मीन के अंदर बना हुआ है। और इस महल के अंदर जो यहाँ के राजा थे वो रहा करते थे और इस महल का जो ऊंचाई है वो आपको तकरीबन देखने को मिलेगी कि ये 35-40 फीट ऊंची इसकी जो प्राचीर है ऊपर वाली हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। समय समय पर यहाँ पर जब अलग अलग अतिक्रमण हुए तो इसको भी क्षतिग्रस्त किया गया था। अंदर की तरफ से ये महल जो है ज़्यादातर वो टूटा हुआ है। तो हम थोड़े से इतिहास की बातों को यहाँ पर समझ लेते हैं कि हमीर देव चौहान यहाँ पर कैसे पहुँचे थे। तो बात शुरू हो जाती है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के वक्त से, जब मोहम्मद गौरी का और उनका युद्ध हुआ 1192 के वक्त में, जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय मारे गए थे तो उनके जो वंशज थे उन्होंने अजमेर के स्थान को छोड़ दिया था और उनके जो बेटे थे गोविंद राज चौहान वो रणथंभौर के इस स्थान पर आकर बस गए थे। तो ये वाला जो पूरा हिस्सा है दोस्तों ये हुआ करता था जंगल और जंगल के बीच में प्राचीन एक किला था जो आज रणथंभौर का किला कहलाता है। इस किले में गोविंद राज चौहान ने कुछ वक्त बिताया और उसके बाद में इस किले को और बड़ा बनाया होगा। उसके बाद में बनते हैं दोस्तों वल्लन देव चौहान, प्रहलाद, बाद में बन जाते हैं वीर नारायण, वाण भट्ट, उसके बाद बनते हैं दोस्तों जैत्र सिंह जिनके हमने क्षत्रिय भी देखी थी। और 1282 के समय में राजा जैत्र सिंह ने अपने पुत्र को इस स्थान का राजा घोषित किया। राजा जैत्र सिंह के 3 बेटे थे लेकिन उनमें सबसे योग्य और अनुभवी जो थे वो थे राजा हमीर देव चौहान जिनके आज हम इस महल को देख रहे हैं। साफ तौर पर लिखा है नो एंट्री, महल हमीर देव का है। और उल्टे हाथ की तरफ आप देखेंगे तो इस रणथंभौर किले में सबसे जो अलग प्राचीर आपको दिखाई देगी वो इसी महल की दिखाई देने वाली है। बाहर की तरफ ये जो छज्जा है इस पर किया गया काम सफ़ेद मार्बल, लाल रंग का सैंडस्टोन जो कि करौली से लाया गया है उसके द्वारा इस महल को और रौनक दी गई है, इस पर बारीक काम किया गया है। और यहाँ पर चौहान डायनेस्टी के द्वारा इस रणथंभौर के इस किले की शुरुआत बताई जाती है जो तकरीबन 8वीं शताब्दी के अंदर मानी गई है इतिहासकारों के अनुसार। कुछ इतिहासकार इस किले की जो शुरुआत है वो 944 ईस्वी यानी कि 10वीं शताब्दी में मानते हैं। तो इतिहासकारों के अलग अलग तथ्य हैं, अलग अलग उनके जो प्रूवेशन है वो है। हम इन बात को कैसे आपके सामने लेकर आ रहे हैं तो उसके लिए आप कुछ किताबों को पढ़ सकते हैं जैसे कि हमीर हट, हमीर रासो, हमीर महाकाव्य और कुछ अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई जो किताबें थी उनको पढ़ेंगे तो आपको इस रणथंभौर के किले की इस कि यहाँ पे निर्मित की गई जो इमारतें उनके बारे में आपको मालूम पड़ेगा। और इनका जो शासन है वो 10 जुलाई 1301 में समाप्त हो गया था जब इन्होंने अपने शीश को काटकर भगवान शिव जी के चरणों में अर्पित कर दिया था। तो इस पूरे रणथंभौर किले में काफी सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम एक एक करके एक्सप्लोर कर रहे हैं दोस्तों। और अब हम ये समझ पा रहे हैं कि एक वक्त पहले इस किले के अंदर काफी सारे कक्ष कमरे रहे होंगे, गुप्त तहखाने भी यहां पर होंगे। अंदर की तरफ यदि हम बात करते हैं तो दोस्तों इस 3 मंजिला नीचे की तरफ भी ये जो पूरा महल है वो बना हुआ है यानी कि सुरक्षा का ध्यान यहाँ पे रखा गया होगा। अलग अलग यहाँ पर सुरंगें होंगी ताकि राजा को मुसीबत के समय में निकाल कर बचाया जा सकता है।